सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरु जी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इस तरीके से हम जो करप्ट मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव होते हैं उनको किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं। तो डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम उसको ठीक करना सीखेंगे। यहाँ पर आपको रन कमांड के अंदर विंडो के साथ आर और यहाँ पर लिखना है डिस्क पार्ट DISKPART और देन ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते ही आपको एक डॉस कमांड प्रॉम्प्ट खुलता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क पार्ट। यहाँ पर आपने देखा एक कमांड लगाकर लिस्ट स्पेस डिस्क और जैसे ही एंटर करा तो यहाँ बता रहा है कि डिस्क जीरो में अभी 931 GB का हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि हमारी सारी की सारी ड्राइव है। यहाँ पर अभी कोई भी हमने मेमोरी कार्ड अभी अटैच नहीं करा है। फिलहाल हम यहाँ पर एक पेन ड्राइव डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने पेन ड्राइव लगाई है वो फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है। जैसे ही हम इसे फॉर्मेट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वो फॉर्मेट नहीं हो पाता और मैसेज थ्रो कर देता है कि अनेबल टू फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये जो पेन ड्राइव है वो करप्ट है। हम किस तरीके से इसको ठीक करेंगे वो हम देखते हैं। अगर हम इसे NTFS में भी फॉर्मेट करते हैं तो भी यहाँ पर वो सेम मैसेज दिखा रहा है कि विंडो वाज अनेबल टू कंप्लीट फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये हार्ड जो हमारा पेन ड्राइव है ये खुल नहीं पा रहा है। इसके लिए अभी हम यहाँ पर लिस्ट स्पेस डिस्क फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर जो करंट स्टेटस बता रहा है डिस्क वन का 14 GB यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब हमारा जो पेन ड्राइव है वो 16 GB का है। तो यहाँ पर हमें उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डिस्क वन और लिस्ट डिस्क पे देखेंगे स्टार का साइन शो कर रहा है डिस्क वन से पहले। इसका मतलब हमारा अभी सिलेक्शन जो है वो डिस्क वन हो चुका है। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक प्राइमरी एक्सटेंशन प्राइमरी पार्टीशन। तो यहाँ पर आप सिंपल टाइप कर दीजिए क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनली पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुका है पेन ड्राइव का और उसके बाद एक्टिव कमांड जैसे ही हम लगाएंगे तो हमारा जो करंट पार्टीशन है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेशन के बाद हमें अपना पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना होगा और फॉर्मेट के लिए हमें FS इक्वल टू NTFS और क्विक जरूर लिखना है। क्विक करने से वो जल्दी से उसको फॉर्मेट कर देगा। अगर आप NTFS फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं और अगर फैट में करना चाहते हैं तो वह अभी आपको आगे बताया जाएगा किस तरीके से यूज़ करना है। फिलहाल यहाँ पर हम जैसे ही इसको देखेंगे 100% कंप्लीट होने पर यहाँ पर रिमूवेबल डिस्क M ओपन हो चुका है। यहाँ पर 14.5 GB के आसपास उसका साइज़ शो कर रहा है और वो आप खुलने में भी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर ड्राइव का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं असाइन लेटर Q। यहाँ पर हमने क्यू ड्राइव उसका नाम रख दिया है या और भी कोई डिफरेंट लेटर रखना चाहें तो रख सकते हैं असाइन लेटर P। तो यहाँ पर हम ड्राइव का लेटर बदल सकते हैं असाइन कमांड से और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको फिर से करप्ट करना चाहें या यूज़ में ना करना चाहें जो हमारा एक्टिव अभी है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर अपना सिलेक्ट दोबारा से करना होगा डिस्क वन को और क्लियर कर देना है। क्लीन करने के बाद वो हमारा जो पार्ट है वो फिर से डिजेबल हो चुका है और जब हम उसे ओपन कर रहे हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। तो सेम कमांड हमने अभी जो चलाया था सिलेक्ट डिस्क वन देन उसके बाद हमें अपना पार्टीशन क्रिएट करना होगा। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हमें उसको प्राइमरी में पास कराना है और उसके बाद यहाँ पर फिर से उसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद हम चाहें तो उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं FS इक्वल टू FAT32 क्विक में और यहाँ पर जैसे ही हम उसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा डिस्क जो है वो फॉर्मेट हो चुका है फैट में। तो इस तरीके से हम अपना करप्ट पेन ड्राइव को ठीक कर सकते हैं मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो क्लियर होगा। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।